नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए मैनमेड डिजास्टर से अभी ये पहाड़ी राज्य उभरा नहीं है कि एक और शहर कर्णप्रयाग इसी तरह की आपदा की चपेट में आता दिख रहा है। जोशीमठ से करीब 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग के घरों में भी चौड़ी दरारें आ रही हैं। इसकी वजह से लोग मकान खाली कर रहे हैं, शहर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चमोली जिले के इस शहर के दर्जन भर घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुगुणा कॉलोनी के इन मकानों में पहली दरार करीब एक दशक पहले नजर आई, लेकिन अब ये दरारें इतनी चौड़ी और लंबी हो गई हैं कि खतरा साफ साफ नजर आने लगा है। दरारों वाले मकानों को लोग खाली करने को मजबूर हैं। मकान मालिक अपने घरों को छोड़कर किराए पर रहने या नगर पालिका के शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग के प्रशासन ने भी कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी है और वे IIT रुड़की से टीम बुलाकर इसका सर्वे करवाएंगे। पहाड़ी शहरों में जो दरारें पैदा हो रही हैं, इसकी वजह अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट को ही माना जा रहा है। न्यूज क्लिक से बात करते हुए जियोलॉजिस्ट SP सती ने कहा भी था कि सरकारों को 1970 के दशक से ही मालूम था भंगुर पहाड़ के इलाकों में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, मगर जोशीमठ में NTPC, हेलंग बाईपास, आर्मी बेस कैंप वगैरह का काम जोरों शोरों से चलता रहा। हद तो तब हो गई जब प्रशासन के मना करने के बावजूद मीडिया में खबरें आईं कि देर रात को क्रेन से पहाड़ काटे जा रहे हैं। आप ट्विटर पर कर्णप्रयाग सर्च करेंगे और आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ट्वीट है, इसमें बताया गया है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन का काम 84 किलोमीटर का पूरा हो गया है, 33% काम हो चुका है। 2 टनल बन चुके हैं और 2 रेल ब्रिज, 3 रोड ब्रिज बन चुके हैं। इस विकास से शासन प्रशासन खुश होता है, अपनी पीठ थपथपाता है, मगर एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि जोशीमठ में आई तबाही इसी तथा कथित विकास की वजह से आई है। कर्णप्रयाग के बारे में जानने के लिए हमें सर्वे का इंतजार करना होगा। जोशीमठ की बात करें तो अब तक करीब 700 घर रहने लायक नहीं बचे हैं। लोगों को जोशीमठ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, मगर इसी बीच स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया है। धामी ने कहा है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा है। जोशीमठ की सड़कों पर NTPC को जिम्मेदार बताते हुए लोग अपने घर खो चुके हैं या खोने वाले हैं। वो घर जिनमें उनकी कई पुश्तें रही होंगी, उनके इस हालात के मुख्यमंत्री ने प्रकृति को जिम्मेदार बता दिया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक बायो में है।